नमस्ते, आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंगफली की चटनी, जो बहुत इजी है। 5 से 6 मिनट में आपकी मूंगफली की चटनी रेडी हो जाएगी। मैंने तवे पे रख लिया है मूंगफली को फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट तवे पे फ्राई होने के बाद मेरी मूंगफली इस तरह रेडी होके निकली है। उसके बाद उसे प्लेट में निकालेंगे। उसे 1 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर उसे मैंने हाथ से रब करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मूंगफली से छिलके को अलग करना है। उसके बाद उसे क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद मूंगफली कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे लिए हैं लहसुन के 2-3 कली को, 1 मिर्चे को। मिर्चा आप टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। मेरा टेस्ट, हमारे यहाँ मिर्चा थोड़ा कम खाते हैं। और फिर उसमें मैंने ऐड कर लिया है मूंगफली और 2-3 जो मैंने कलियाँ ली थी लहसुन के, उसे छिल के ऐड किया। और उसमें डाला है मिर्चा जो मैंने 1 मिर्चा लिया हुआ था। और उसमें डाला है नमक। नमक भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद मैंने ऐड किया है पानी। पानी ऐड करने के बाद मैंने ग्राइंड कर दिया है। ग्राइंड होने के बाद मेरी चटनी कुछ इस तरह से रेडी हुई है। इस चटनी को आप आलू के पराठे के साथ सर्व करें। मैंने उसका भी वीडियो एक बना के डाल दिया है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।